हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों 26 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलानी है, इसका रूट भी फाइनल हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट पर ये ट्रेनें चलने वाली हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। दोस्तों कौन कौन से रूट पर ये ट्रेन चलने वाली है और कौन से रूट की समय सारणी आ गई, यानी कि टाइम टेबल आ गई है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आनंद बिहार से दरभंगा लगभग 10 महीने पहले इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था, काफी अच्छा रिस्पांस मिला इस ट्रेन को। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर इसको तैयार किया गया है। ये एसी क्लास नहीं होते, इसके अंदर स्लीपर होता है और जनरल होता है। आपको बता दूं इसके अंदर भी काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटी है। कुछ फैसिलिटी की अगर बात कर लेता हूं दोस्तों, ये पुश एंड पुल तकनीक पर आधारित ट्रेन होगी, यानी कि इसके आगे भी इंजन होगा, पीछे भी इंजन होगा, जैसे कि आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देखते हैं। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक इंजन होंगे। 22 कोच वाली ये ट्रेन होने वाली है। इसकी जो स्पीड होने वाली है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होने वाली है। कुल 1834 यात्रियों को लेकर ये यात्रा कर सकेगी। सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे होंगे। दोस्तों कोचेस की अगर बात कर ले, इसके अंदर टोटल 22 कोच होने वाले हैं, जिसके अंदर 12 कोच स्लीपर होंगे, 8 कोच होंगे अनारक्षित यानी कि जनरल डब्बे, और 2 कोच जो है वो लगेज यान के तौर पर इसको यूज किया जाएगा इस ट्रेन के अंदर। दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 26 रूट पर चलाया जाएगा, जहां पर काफी ज्यादा डिमांड है और काफी फ्रीक्वेंटली लोग ट्रेवल करते हैं। यहां पर आप 26 रूट देख सकते हैं, एक एक करके मैं आपको रूट बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लोकमान तिलक से बनारस के लिए पहली ट्रेन चलाई जाएगी, दूसरी ट्रेन लोकमान तिलक से समस्तीपुर के लिए, तीसरे नंबर की ट्रेन पुणे जंक्शन से दानापुर के लिए, चौथे नंबर की ट्रेन पुणे जंक्शन से छपरा के लिए, पांचवे नंबर की ट्रेन लोकमान तिलक से सीतामढ़ी के लिए, छठे नंबर की ट्रेन लोकमान तिलक से भागलपुर के लिए भी चलाई जाएगी, सातवें नंबर की ट्रेन पुरी से पुणे जंक्शन के लिए चलाई जाएगी, आठवें नंबर की ट्रेन पुरी से उधना के लिए चलाई जाएगी, नौ नंबर ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली, ऑलरेडी दरभंगा से आनंद विहार एक ट्रेन चल रही है, दरभंगा से नई दिल्ली भी एक ट्रेन चलाई जाएगी, 10 नंबर की ट्रेन दरभंगा जंक्शन से हिसार के लिए चलाई जाएगी, और 11 नंबर ट्रेन गया जंक्शन से कोयंबटूर के लिए चलाई जाएगी, 12 नंबर ट्रेन जो है वो मुजफ्फरपुर जंक्शन से पुणे के लिए चलाई जाएगी, 13 नंबर ट्रेन लखनऊ से पुरी के लिए चलाई जाएगी, 14 नंबर ट्रेन छपरा जंक्शन से अमृतसर के लिए चलाई जाएगी, 15 नंबर ट्रेन गोरखपुर से मुंबई बांद्रा के लिए चलाई जाएगी, 16 नंबर ट्रेन अगरतला से सिकंदराबाद के लिए चलाई जाएगी, 17 नंबर ट्रेन पुरानी दिल्ली से सहरसा के लिए चलाई जाएगी, 18 नंबर ट्रेन अमृतसर जंक्शन से सहरसा के लिए चलाई जाएगी, 19 नंबर ट्रेन भगत की कोठी से गोरखपुर, 20 नंबर ट्रेन अजमेर जंक्शन से रांची, 21 नंबर ट्रेन हावड़ा जंक्शन से बेंगलुरु के लिए। दोस्तों 21 नंबर जो ट्रेन है हावड़ा जंक्शन से बेंगलुरु के लिए, इसका एस्टीमेट टाइम टेबल भी आ गया है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। और 22 नंबर ट्रेन जो होने वाली है तिरुनवल्ली से शालीमार के लिए ट्रेन चलने वाली थी, 23 नंबर ट्रेन तांबरम से सांतागाछी जंक्शन के लिए होने वाली है, 24 नंबर ट्रेन रानी कमलापति से पाटलिपुत्र के लिए होने वाली है, 25 नंबर ट्रेन उधना जंक्शन से भागलपुर के लिए, और 26 नंबर ट्रेन उधना जंक्शन से बरौनी के लिए होने वाली है। ये टोटल 26 रूट पर ट्रेन चलने वाली है। और हावड़ा से बेंगलुरु के लिए जो ट्रेन चलने वाली है, आप साइड में देख सकते हैं इसका टाइम टेबल, एस्टीमेट टाइम टेबल भी आ चुका है, लगभग यही टाइम टेबल होने वाला है, और लगभग इसी स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है। कुछ एक इसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये सभी ट्रेन की अभी फाइनल डेट नहीं बताई गई है इंडियन रेलवे की तरफ से, लेकिन ये 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही जल्दी चलाई जाएगी, क्योंकि इंडियन रेलवे ने सभी जोन को समय सारणी तैयार करने के लिए भेज दिया है प्रस्ताव, कि सभी लोग अपनी अपनी समय सारणी तैयार करें, सभी स्टेशन अपनी समय सारणी तैयार करें, जिससे कि इसको जल्दी से जल्दी चलाया जा सके। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आपने इसके अंदर कभी ट्रेवल किया है ये भी बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।